थी। विद्योत्मा ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, भाषा से नहीं संकेत से। डोली में ब्राह्मण लोग सजाकर उसको आए, त्रिपुंड लगा है, श्वेत वस्त्र पड़े हैं, रुद्राक्ष की माला है, करमंडलू है, खड़ाऊ है, और महाराज जो उस जमाने के ब्रह्मचारियों की सुंदर वेशभूषा हो सकती है पूरी व्यवस्था करके उसको सजा दिया गया। एक मंच पर वो डोली में बाल योगी और दूसरे मंच पे विद्योत्मा, और लोग आज शास्त्रार्थ सुनने आए। विद्योत्मा ने संकेत किया एक उंगली का। मूर्ख ने सोचा कि ये बोलती है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। मूर्ख ने सुन रखा था कि मुझे कुछ न कुछ दुगना करना है, तो एक उंगली यूं दिखाई तो मूर्ख ने सोचा कि मेरी आंख फोड़ने को कहती है, तो मूर्ख ने दो उंगली दिखा दी। विद्योत्मा कहती है कि क्या बोलते हैं तुम्हारे बाल योगी? बोले तू बोलती है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, एक परमात्मा ने, लेकिन हमारे नन्हे योगी बाल योगी कहते हैं कि भगवान ने अकेले ने दुनिया नहीं बनाई, भगवान और भगवान की शक्ति, आलादनी शक्ति माया, उस दोनों ने मिलके ये दुनिया बनाई। पंडितों ने व्यवस्था कर दी, शास्त्रों की बात धर दी, बात स्वीकार हो गई। विद्योत्मा ने ये हाथ दिखाया, मूर्ख सोचता है कि बोले सोचती है कि दूंगी तो ये तू अगर ऐसा देगी तो मैं गुस्सा दूंगा। मूर्ख ने गुस्सा के एक्शन बताए, ठोसे की तू अगर ये चम्मा आटन दिए तो मारो ठोस होनी, नक भिंडी करे शरीनों में, तू शादी समझे। महाराज मूर्ख ने जब यूं गुस्सा दिखाया तो पंडितों से पूछा गया क्या बोलते हैं कि तू बोलती है कि पांच इंद्रियां है, आंख कान नाक त्वचा रसना, इनसे जगत का व्यवहार होता है, लेकिन हमारे जो बाल योगी बोलते हैं कि इन पांचों को वश करो तब बेड़ा पार होता है। बात तो सीधी है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। विद्योत्मा ने दो हाथ दिखाए, मूर्ख सोचता कि दोनों से लपड़ा के मारेगी, तू अगर दोनों से मारेगी तो मैं फिर ये बॉक्सिंग, और सिर का इशारा करा। विद्योत्मा पूछती है कि व्हाट इज से, क्या बोलता है तुम्हारा योगी? बोले तू बोलती है कि पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ पैर कर्म इंद्रियां हैं, जीभ जब बोलती है तब कर्म इंद्रिय है, जब चखती है तो ज्ञान इंद्रिय है, तो अपने शरीर को चलाने वाली पांच कर्म इंद्रिय है, पांच ज्ञान इंद्रिय है, ये दसों से शरीर का व्यवहार चलता है, लेकिन हमारे गुरु बोलते हैं कि दसों से ही व्यवहार नहीं चलता, ग्यारहवां मन जब मिलता है तब व्यवहार चलता है। रात को बच्चा सो गया हो, मुंह में रसगुल्ला रख दो, लेकिन उसको स्वाद नहीं आएगा जब तक उसका मन गहराई में है। मन उसका जागेगा तब रसगुल्ले का स्वाद आएगा। आंखें खुली करके भी कई बच्चे सो जाते हैं लेकिन पापा को नहीं सम देख सकते, मम्मी को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका मन लीन हो गया है। तो पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, दस के बावजूद भी ग्यारहवां तुम्हारा मन चाहिए, तभी ये जगत की साइकिल चलती है। इस प्रकार जो एक्शन करे वो बढ़ा चढ़ा के मूर्ख सुना दे, इशारे से कर दे, और पंडितों ने तो शास्त्र रटे हुए थे, अर्थ घटित कर दे। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुनरिकाक्षाय सर्व मंगलाय तनो हरि, समझ गए, सर्व मंगलाय तनो हरि कर दे, समझो था ना गाल, अब समझ गए। शादी हो गई, शादी हो गई तो अब तो मौनी बाबा को मौन खोलना है। महल में गए और महल की खिड़की खुली थी, पीछे ऊंट चर रहा था। विद्योत्मा ने पूछा कि तत्रे कह क्रह प्राणी, वहां कौन सा प्राणी? अब संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हैं, उस मूर्ख को तो पता नहीं था, उसने कहा कि ऊंटियो चरी रहे, ऊंट ऊंट है ऊंट। विद्योत्मा समझ गए कि मेरे से धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका हाथ पकड़ के उम्रे से बाहर कर दिया। बोले मैं भारत की लड़की हूं, दूसरा तो नहीं करूंगी, लव मैरिज तो नहीं करूंगी, लेकिन विद्वान होकर मेरे को वरा है तो मैं तुमको विद्वान के रूप में ही देखना चाहती हूँ, उसके पहले मुझे मुंह मत दिखाना। छुपी हुई शक्ति तो सबके अंदर है, किसी मैने से, किसी अपमान से, मान से, उत्साह से जग जाए। वो महामूर्ख गया जंगलों में, इधर उधर आराधना की, कोई संत मिल गए और वो सनातन सत्य से तार जोड़ने की कला सिखा दी, काली की उपासना। महाराज वो उपासना की और वो कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, उसकी बुद्धि का ऐसा विकास हुआ कि उसने उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, शाकुंतले नाटक लिख दिया, और उस महामूर्ख में से महाकवि कालिदास होकर प्रसिद्ध हुए, और उस नाट्य का नाटक का अनुवाद हुआ, और जापान के कवि प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे, जापान के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब रघुवंश काव्य पढ़ा है तो इतना मस्ती में झूमा है कि परते सिर पर लेकर वो सड़कों पे नाचा है। कहां तो महामूर्ख
और अगर वो जीवन शक्ति जाग गई तो महाकवि कालिदास हो सकते हैं। तो जीवन शक्ति जितने अंश में जागृत होती है, आइंस्टाइन का तीसरा शरीर 10% विकसित हुआ था, रिसर्च में उसने समय लगाया, विश्वविख्यात हो गया। योगियों का वो तीसरा चौथा पांचवा शरीर विकसित होता है और वो सूक्ष्म जगत में रिसर्च करते हैं तो अतल वितल तलातल रसातल पाताल के रहस्य जान लेते हैं। ये जो श्राद्ध क्रिया है या और सारी क्रिया है या महाभारत या भागवत, ये कोई देख देख के थोड़े लिखा गया है। जो हो गया है समाधि में देखा गया, बाद में लिखा गया। कृष्ण तो हजारों वर्ष पहले हो गए, लाखों वर्ष पहले हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की कोई चेष्टा को जानना है तो वेद व्यास जी अपने ढंग से समाधि करके जानते हैं, सुखदेव जी समाधि करके भागवत बोलते हैं और परीक्षित सुनते सुनते आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो जहां एक आदमी विकसित कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो बच्चों की शक्ति विकसित करने के लिए भी थोड़ा मैं कल परसों आपको बताऊंगा। आप लोगों के चित्त में प्रसन्नता आए और जीवन आनंद और प्रसन्नता से आगे बढ़े, आपका तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में आध्यात्मिक प्रकाश आए, उस विषय पर हम लोग चलेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल आप पक्की कर लेना कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, उसी प्रकार का वातावरण से आपको सपोर्ट मिलता है। आप हल्के विचार करते हैं, भय के विचार करते हैं, तो भय और हल्का वातावरण आपको मिलता है। आप निर्भयता के विचार करते हैं, आप अगर दूसरों की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो आपके हृदय में सिंह जैसा बल आ जाता है। और दूसरों के प्रति हृदय में अगर ग्लानी पैदा करते हैं, दूसरों के प्रति हृदय में अगर तुच्छता पैदा करते हैं, तो वो आदमी तो आइसक्रीम खा रहा है लेकिन तुम्हारा हृदय उसी समय बेचैन हो जाता है। इसलिए कृपा करके तुम्हारे हृदय को, मकान बिगड़ गया तो इतनी चिंता नहीं, और महाराज कपड़ा मैला हो गया तो इतनी चिंता नहीं, घर थोड़ा बिगड़ गया तो चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल को बिगड़ने से बचाना। शाह हाफिज ने कहा, ऐ इंसान तू हजार मंदिर तोड़ दे, हजार मस्जिद तोड़ दे, लेकिन जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है, तुम्हारा मालिक खुद रहता है, उस मालिक के साथ तादात्म्य, इसका नाम है सनातन सत्य। मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं बने थे, तब की बात है, वो 26 साल के थे और सोचा कि ऐसे एक एक दिन बीता चला जा रहा है। पर्वत पर गए और प्रार्थना की, भगवान कह दो, मालिक कह दो, खुदा कह दो, जो तुम्हें कहना है, वो सब भाषाएं जानता है क्योंकि सारी भाषाएं उसी से स्फुरित होती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक शर्त है कि तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। गीता कहती है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। जो आदमी प्रसन्न रहता है उसको आत्म प्रसाद जल्दी प्राप्त होता है और आत्म प्रसाद से उसकी बुद्धि विकसित होती है। जो ग्लानी से भरा है, घृणा से भरा है, अशांति से भरा है, उसका भाग्य इतना लंबा चौड़ा हो फिर भी लाभ इतना होता है। और जो प्रसन्नता से भरा है, सहानुभूति से भरा है, परहित के लिए भरा है, आप जिसका हित करते हैं, बदला वो दे चाहे न दे, लेकिन क्या बदला देने के लिए क्या भगवान के वही दो हाथ हैं? हजारों हजारों हाथों के द्वारा वो बदला दे सकता है। वही नेता उन्नत हो पाते और वही नेता मिनिस्टर हो पाते हैं, जाने अनजाने उन्होंने कुछ न कुछ सेवा की है, किसी न किसी के आंसू पूछे हैं, फिर ज्यादा लोगों के पूछे हो, कम के पूछे हो, लेकिन उस परमात्मा को पसंद हो गया, उसलिए उनकी इच्छा पूरी हो गई। जयराम जी की, अभी भी अपने अतिथि आएंगे, थोड़ी देर और बिठाऊंगा मैं आपको। जय जय, तैयार हो ना थोड़ी देर बैठने के लिए? और तैयार हो साईं? ऐसा सत्संग मिल रहा है। नारायण नारायण कह दो, नारायण नारायण कह दो ना यार, नारायण 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 नारायण। मोहम्मद जब पैगंबर नहीं बने थे, पहाड़ी पर गए और